मध्य प्रदेश में 1 मई से पॉलिथीन पर बैन लगाने की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश की सरकार का कहना है कि पॉलिथीन खाने से गाय की मौत होती है, हालांकि इसीलिए पॉलिथीन पर बैन लगाया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार ने 1 मई से प्लास्टिक बैग पर बैन लगा दिया है। सरकार का तर्क ये है कि पॉलिथीन खाने से गाय की मौत होती है, इसलिए प्लास्टिक बैग पर बैन जरूरी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसी साल गणतंत्र दिवस समारोह में 1 मई से राज्य में पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था। इस दौरान सीएम शिवराज ने प्रदेशवासियों से स्वच्छता और कैशलेस अभियान में सहयोग करने को कहा था, जिसको लेकर आज मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में 1 मई से पॉलिथीन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया गया। वहीं आपको बता दें, इसी साल 26 जनवरी के मौके पर प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पॉलिथीन पर बैन लगाए जाने की घोषणा की थी। तो वहीं मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पॉलिथीन से पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है, इस पर बैन लगाना उचित होगा। इसके साथ ही सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में पॉलिथीन के कारोबार पर खासा असर देखने को मिलेगा। चाहे इस फैसले से राज्य में बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो वहीं छोटे छोटे दुकानदारों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। गौरतलब है कि कई सालों से देश भर में पॉलिथीन पर बैन लगाए जाने की बात की जा रही है। हालांकि कई राज्यों में पॉलिथीन पर बैन लगाए भी गए हैं, लेकिन ये पूरी तरह से पॉलिथीन पर बैन नहीं लगाए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कन्हैया के साथ मैं पूनम पनौरिया, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली।